हेलो फ्रेंड्स, रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं दुकान बंद करके चिकन लेकर आया हूँ। मेरे वाइफ ने बोल रहे थे चिकन लाने के लिए, उनको आज चिकन खाने का मन था और रात के 9:30 बज रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, लकड़ी चूल्हा में बना रहे हैं, पूरा मसालेदार है। देखिए फ्रेंड्स, झूठ नहीं बोलूँगा, पूरा उसको भूंज रहे हैं, उसको बढ़िया से भूंज रखा है। बोल रहे हैं इसको लाल लाल भूनने से चिकन को टेस्ट लगेंगे, तो बना रहे हैं। और कुछ सब्जी नहीं बनाया? नहीं। तो मेरी आशा में बैठा था कि रात को लेके आ गया तो मैं दुकान बंद करके 1 किलो चिकन लेके आया हूँ। रात के 9:30 बज रहे हैं, अभी बना रहे हैं और देख रहे हैं और बनेगा तो हम लोग खाएंगे। देख लीजिए, पूरा रात है, लाइट जल रहा, अंधेरा है। मम्मी बाहर में खटिया में सो रहे हैं। और घर में देख सकते हैं बच्चा लोग सो गया है सब, जो रात को 9:30 बजे सब सो जाते हैं। मुझे आने में लेट हो गया, बेटी भी सोया हुआ, सब सोया हुआ है ना फ्रेंड्स। अब देख रहे हैं हम लोग बस दोनों बैठे हैं और सब तो सो गया है लोग। हाँ, क्या बोल रहा है? तू लोग सब सो गया, बच्चा लोग तो थक गया है खेल के, तो सुबह खाएगा लोग अब। हाँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बना रहे हैं लकड़ी चूल्हा में, देख रहे हैं आप। तो हम लोग खाएंगे और मम्मी रात को सो रहे हैं। मैं अभी जस्ट आया हूँ, दुकान से आया हूँ और फ्रेंड्स हम लोग खाने बैठ गए हैं। अब देख रहे हैं क्या क्या रखा है, पानी है चाय चलो, रोटी, ये 3 रोटी। तो फ्रेंड्स, मेरे वाइफ ने 3 रोटी दिया है, ऐसे मैं 2 खाता हूँ, आज 3 खाऊंगा। चिकन बना है शायद, इसीलिए खा सकूँ। तो तुम कितना लिया है? ये भी 3 लिया है, वो भी 3 लिया है। चलो खा, देखते कैसे बने, फिर आपको बताते हैं। ब्लॉग में बने रहिएगा फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, मैं सही में बोल रहा हूँ, मेरी वाइफ जो है ना बहुत ही बढ़िया चिकन बनाता है, पूरा मसालादार। तो देखिए, लकड़ी चूल्हा बनाया था, मसालादार और स्वाद बहुत बढ़िया है। बाबू, ये फ्रेंड पूछा उठ जाए तो खाएगा। अरे बाबू नहीं, तुम्हें खाएगा बाबू? अरे टूट रहे बेटा, बेटे सोया हुआ, आप देख रहे पलंग में, रात भी बहुत ज्यादा हो गया है, करीब 10-15 हो गया होगा, 10 बजे बैठना था मेरे को, करीब 10-15 हो गया रात का। तो फ्रेंड हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स हमारे से सपोर्ट करते रहिए, फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। ओके फ्रेंड्स।